स्वागत है आप सभी का एक और ब्रह्मचर्य Q&A वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट जो भी सवाल आए हुए हैं ब्रह्मचर्य को लेकर, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी मेरे भाई ऐसे हैं जो हस्तक्रिया से परेशान हैं, गुप्त रोग से परेशान हैं, खास तौर पर स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं इस वीडियो को देखें। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जो सवाल आए हुए हैं एक एक करके चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या मेडिटेशन म्यूजिक सुनने से मेडिटेशन के फायदे मिलते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है, आपको पहले ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे मुझे कोई फायदा मिल रहा है तो आप कंटिन्यू करें, क्योंकि देखिए एक इंसान को हो सकता है उससे फायदा मिले, दूसरे को ना मिले। आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें काम करती है या नहीं करती है। अगला जो सवाल है वो ये है कि ब्रह्मचर्य के दौरान कितने बजे सोना चाहिए और कितने बजे उठना चाहिए? देखो, हर इंसान की नींद की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। किसी की नींद 6 घंटे में पूरी हो सकती है, किसी की 8 घंटे में। मैं आपको जागने का टाइम बता सकता हूँ, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको कब सोना है। तो जो बेस्ट टाइम है आपके लिए उठने का वो है 3 बजे के करीब करीब। तो आपको उस हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको कितने बजे सोना होगा ताकि आप उस मोमेंट पे जाग पाएं। अगला जो सवाल है वो ये है कि जिनकी शादी हो चुकी है क्या वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? देखिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस बातचीत रखनी होगी उस तरह से कि देखिए, हम और आप अभी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हम लोग इस दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हम लोग का ब्रह्मचर्य नाश हो जाए। अगला जो सवाल है वो ये है कि ओवरथिंकिंग और गंदे विचार का परमानेंट इलाज क्या है? देखिए, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ओवरथिंकिंग का रूट कॉज क्या है। और देखिए, जो भी गंदे विचार आ रहे हैं वो है कंडीशनिंग के आधार पे। आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये जो मेरा थॉट है, क्या ये मेरी जिंदगी को किसी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है? और अगर ये कर रहा है तो ये पॉजिटिव वे में है या फिर नेगेटिव वे में है? असल में हम जो भी गंदे विचार आते हैं ना, उनको हम देखते नहीं है, हम उनसे दूर भागते हैं, हम अवॉइड करते हैं, हम जड़ को नहीं पकड़ते हैं, इसलिए वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि क्या 2022 में भी ब्रह्मचर्य अल्टीमेटम होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा, और बहुत सारे सरप्राइजेस आप लोगों के लिए आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा वेट करना है, बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है, बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग करेंगे। अगला जो सवाल है वो ये है कि एग्जाम आने वाला है लेकिन ब्रह्मचर्य नाश की वजह से ध्यान नहीं लगा पा रहा। आपको खुद से सवाल करना है कि मेरे लाइफ में ये 2 सेकंड का प्लेजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर मेरे नंबर अच्छे आते हैं, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ तो आने वाले टाइम में मेरे फ्यूचर के लिए वो अच्छा होगा। ठीक है, तो आज आप जो करेंगे उसका असर आपको आने वाले कई दिनों के लिए दिखेगा। अगला सवाल, 17 साल का हूँ, कितने साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करूँ? देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं, इन जनरल तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 25 साल तक के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें तो बहुत ज़्यादा आपको इससे फायदा होगा। अगला सवाल ये है कि भाई, आपकी मोटिवेशन का सोर्स क्या है? देखो, मेरा मोटिवेशन का जो सोर्स है वो है डेथ, मृत्यु। अगला सवाल, सुबह जल्दी उठने का कोई ट्रिक बताओ भाई। अब देखो, हर किसी के लिए अलार्म काम नहीं करेगा, वो बंदा उठेगा, अलार्म बंद करेगा, फिर सो जाएगा जाके। परमानेंट सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको जल्दी सोना पड़ेगा। अगर आप जल्दी सोते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप जल्दी उठेंगे। आपको एक स्लीपिंग पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा। अगला जो सवाल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूछ रहे हैं, कुछ लोग ठंडियों के मौसम में सुबह सुबह नहा लेते हैं और कुछ लोग हफ्ते में सिर्फ एक बार नहाते हैं, ऐसा क्यों? देखो, जो लोग हफ्ते में एक बार नहाते हैं उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो लोग सुबह सुबह उठकर ठंडियों के मौसम में नहा लेते हैं, उनके बारे में एक चीज़ समझ लो कि उनको उस चीज़ की आदत है। वो कोई आज से नहीं नहा रहे, वो कई सालों से नहा रहे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जो बचपन से सुबह उठकर नहाते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हर वो बंदा जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, अपडेट दें कमेंट सेक्शन में कि आप कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ताकि आपका एक कमेंट बहुत लोगों को इंस्पायर कर सके। शेयर कीजिए इस वीडियो को एक ऐसे इंसान के साथ जो पूरे साल वीर्यनाश करता आया है, ताकि उनकी भी मदद हो सके।